चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडोपत आचार्य क्लासेस आप सभी का वेलकम है एडोपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूँ एक बार जल्दी से पॉसिबल आ एडियम फ्रेजेस का टॉपिक है जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है फटाउट फटाउट आ जाए यहाँ से कहां तक कंप्लीट हो गया था कल एक बार जल्दी से बता दीजिए चले बेटा जैसे सबसे पहले यहां देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्वाइट नॉट सर्टेनली फॉर हॉ आधी छोड़ सारी को दारू थारी रहे न, सारी पावे मतलब ज्यादा के चक्कर में जो होता है वो भी चला जाता है ज्यादा ज्यादा नहीं करना चाहिए ना ज्यादा ज्यादा नहीं करना चाहिए कही कहीं ना कहीं देखो जब आप इनको पढ़ रहे हो ना तो इसके लिए कोई सी भी एक वर्ड को याद रख लो बस फिर पूरी गणित याद रह जाएगी आगे की रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्टेड अपनी मर्यादा अपने हाथ यानी आप अपना सम्मान करो एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड तो फिर अपने आप तुम्हारा सम्मान कर दिया जाएगा आप खुद अपना सम्मान करो तो सब आपका सम्मान करेंगे have wings. लक्ष्मी चंचल होती है विंग्स यानी लक्ष्मी के क्या होते हैं पंख होते हैं ये हमेशा चलती रहती है बेटा पीडीएफ आज मिल जाएगी सबकी जितने भी पीडीएफ है आज सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी सबको और मैं यहां पर कल लिटरेरी टर्म्स ले लूंगा इस टाइम क्लास में इसलिए आज इसको करना जल्दी हो गया था सिनोनिम्स एंटोनिम्स कल ले लूंगा फिर चलिए साहब फिर यहाँ देखे रिस्पेक्ट यूर सेल्फ यू पर हथेली तो, पे सरसों नहीं उगाई जा सकती हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती तो वही होता है कि हथेली पे सरसों नहीं, तो वो नहीं उगाया जा सकता रोम वॉज नॉट बिल्ट इन इसके बाद फिर यहां से देखिए यहां लिखा हुआ बेटा

कुछ नहीं से तो कुछ ना कुछ अच्छा है सर वैसे तो साथ साथ लिख भी लेते हैं पर फिर भी कुछ छूट जाता है नहीं मैं आज चलो ठीक है जितने भी पीडीएफ है आज अभी आपको आज दिन में मैं एक बजे के आसपास जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है आप में से वो मुझे एक बार एक दो बार मैसेज कर दे और दो एक दो बार करे ही करें फिर कॉल कर ले फिर वापस करें अगर तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेगी भेजूंगा मैं ये तो भेजना जरूरी भी है क्योंकि ये कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं पर मामा से काना मामा अच्छा होना है ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग मामा से काना मामा अच्छा होना देखो ये इनमें से वही पढ़ो जो आ रही है क्योंकि एग्जाम में भी वैसी आनी है और फ्राइडे को जागरण सॉरी सैटरडे शनिवार को जागरण क्लास है आपकी रात को ठीक है जागरण क्लास होगी शनिवार को जिसके अंदर वॉइस डिटरमिनर्स तीन चार टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे इट इज हार्ड टू लिव इन रोम to fight with the pop देखो जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए जंगल में रहकर सॉरी समंदर में रहकर या जल में रहकर मगर से बैर नहीं बैर नहीं करना चाहिए इट इज हार्ड टू लिव इन रोम यानी रोम के अंदर रहना एंड टू फाइट विद द पोप और पोप से लड़ना पोप मतलब रोम का राजा पोप हो गया और तुम उसी के राज्य में रहकर तुम राजा से ही लड़ोगे तो सरटा देगा अपने को इट इज नो यूज क्राइंग और स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब क्या इट इज नो यूज क्राइंग रोने का कोई यूज नहीं है कोई मतलब नहीं है आवर स्पिल्ट मिल्क दूध के फैलने के बाद ओम नम शिवाय बीती ताही बिसार दे आगे की सूदी ले क्या बीकी ताए बिसार दे आगे की सूदी ले इट इज टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर वेन द स्ट्रीट इज स्टोलन आग लगने पर कुआ खोदना उचित नहीं अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत है ना? टू लेट टू लुक लॉक तो देखे यहां पर यहां देखना इट इज टू लेट टू लॉक बहुत ज्यादा लेट हो गए टू लॉक ताला लगाने में स्टेबल डोर घोड़े के दरवाजे के वेन द स्ट्रीट इज स्टोलन घोड़े का बच्चे को लोग चुरा लेंगे अब जब लोग घोड़े के बच्चे को चुरा लेंगे उसके बाद तुम जाकर ताला लगाओगे तो आग लगने पर कुआ खोदना कोई मतलब नहीं है अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत कोई मतलब नहीं है बात समझ में आ गई जय महाकाल सभी को फिर यहां से देखिए इट इज वर्क दैट मैग्स वर्कमैन काम को कम खिलाता सॉरी सिखलाता है काम को काम सिखलाता है हम की लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप काम करो तो अपने आप सीखोगे काम को काम सिखलाता है यानी आपको काम से काम सिखाएगा तो हम कहते हैं ना कोई भी चीज हमें नहीं आती पर करते करते हम आ जाती है गलती करते हैं पता लग जाता है मिस्टेक हो गया ऐसे इट इज वर्क इट इज वर्क दैट मेक्स अ वर्कमैन एक काम ही होता है जो आपको वर्कमैन बनाता है काम करने वाला बनाता है तो इट इज वर्क दैट मेक्स अ वर्कमैन फिर बता रहा हूं इस फाइल में से आपको उन्हीं को पढ़ना है जो आपको याद अच्छे से हो सकती है इजी वे में हो सकती है एग्जाम में वो ही आएगी नया टॉपिक है ज्यादा उठ पटांग नहीं होगा इसमें पहला बार जुड़ेगा तो मुझे नहीं लगता अच्छी से अच्छी आएगी जो चल रही है और जो आती है वैसे ही आने का है फर्स्ट टाइम जब कोई एग्जाम में आता है कुछ तो बेटा ठीक आता है इसका ध्यान रखे वैसे नया टॉपिक है वो तो आएगी जो आप हिंदी में जानते हो एक हाथ से ताली नहीं बचती इट टेक्स टू मैक ए क्रेल क्रेल का मतलब होता है झगड़ा क्या होता है झगड़ा है ना तो ये कहता है इट टेक्स टू मैक ए क्रेल इसका मतलब ये हुआ कि झगड़े के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है झगड़े के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है ये भी एक बात ध्यान समझने समझने वाली बात है बात समझ में आई नहीं है यहाँ पर बहुत बढ़िया चलिए इसके बाद फिर देखिए तो बेटा इंग्लिश वाला को तो सत्ताईस का एग्जाम है ना अलग अलग थोड़ी और रात को ही, ही चब... इधर तो उधर हो जाते हैं बच्चे इसलिए किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन एक पंथ दो काज एक तीर से दो शिकार किलिंग टू बर्ड्स दो पक्षियों को मारना विद वन स्टोन एक ही पत्थर से तो शस्त्र एक था दो को लुड़का दिया तो एक पंथ दो काज होना एक तीर से दो शिकार होना लेट बाइगोन्स बी बाईग क्या लेट बाइगोन्स बी बाईग जो हुआ वो हो गया मतलब बीती सो बीती ताही बिसार दे आगे की ले जो हो गया वो हो गया आगे देखो बेटा लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स कुछ भी हो जाए मान लो अपनी जीव जैसे मान लो पिछली वाला पिछले वाला रीट जिसने भी दिया था अब वो बड़ा परेशान हो जाए है ना मान लो पिछले वाला किसी किसी ने दिया, किसी ने एग्जाम एग्जाम दिया दिया पीछे वाला और ऐसा हो जाए कैसा हो जाए कि यार भाई पिछले वाला किसी को एग्जाम फेल हो गया जिससे तुम सब पढ़ रहे हो तो पिछले वाले एग्जाम तो फेल हो गए तो भी पढ़ रहे हो तो अब तुम, तुम डर लग रहा है सर हम पिछली बार फेल हो गए तो हमें क्यों लेट बाय गॉन्स बी बाई मतलब जो हो गया वो हो गया उसको छोड़ो अब कल परसों एग्जाम जो आगे के एग्जाम है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो फिर देखो लेट द पास्ट ब्यूरी द डेड बीती को गाड़ो और भूल जाओ लेट द पास्ट द्यूरी का मतलब गाड़ देना द द द डेड डेड लेट पास्ट पास्ट जो की चीजें थी उनको दफना दो याद मत करो उनकी है ना याद मत करो बेटा याद मत करो जैन जी लेवल फर्स्ट उसमें आ जाएगा है ना मैं ऐसे लगाऊंगा फाइल को कि जिसमें पहले तुम्हारे टॉपिक दो सौ क्वेश्चन तक और आगे फिर लेवल सेकंड के ऐसे करूंगा लाइक कर्स, लाइक विशमय विश्मो धम विस्मय विस्मोधम बात समझ में आ गई विस्मय विस्मोधम लाइक कर्स लाइक मतलब कर्स का मतलब श्राप 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 तो समझ जाओ यहां पर लाइक विस्मोधन लाइक ड्रो लाइक चोर चोर मोसेरे भाई क्या लिखा हुआ है चोर चोर मोसेरे भाई हो गया बहुत बढ़िया बात है यहां से चोर चोर मोसेरे भाई हो गया यहां से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी जल्दी 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 बेटा जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया फिर देखिए यहाँ पर लाइक फादर लाइक सन जैसा बाप वैसा बेटा लाइक सन लाइक फादर लाइक सन जैसा बाप वैसा बेटा लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ देखो लिविंग जीवन जीना हैंड टू माउथ हाथ से मुंह तक जीवन जीना कमाओ खाओ कमाओ खाओ हाथ से कमाओ खाओ और इसके अलावा जीवन नहीं है रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना आगे बात समझ रोज कुआ खोदना रोज पानी पीना मैक है मैक है बहती गंगा में हाथ धोना मैक है वाइल्ड सनसाइंस जब सूर्य चमकता है तब हम भूसे को तैयार करते हैं है ना जब सूर्य चमकता है तब हम भूसे को तैयार करते हैं मतलब समझ जाओ यहां पर बेटा सीधा सा कि मैक है वाइल्ड द सन साइंस जब सूर्य चमकता है जब भी क्या करते हैं बेटा वाइल्ड द मैक सन साइंस तो यहाँ पर ये यह ध्यान रखना है सही अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना मतलब ये है मैन प्र... मैन प्र... प्रपोजेस गॉड डिपोजेस मेरे मन में कुछ और है करता के कुछ और है मैन मतलब मनुष्य कुछ करना चाहता है और भगवान कुछ करना चाहता है तो कुल मिलाकर आप वो करते हैं जो भगवान चाहते हैं समझ में आई बात रहे? बहुत बढ़िया तो सही आंसर हो गया

मैनीन बिटवीन द कप एंड द लिप कानी के ब्याह के नौ सौ जोखिम मतलब काणी का ब्याह में कोतक कोतक की मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया बिटवीन द द कप एंड लिप मतलब क्या होता है मतलब होता है काणी के ब्याह में कोतको कभी फूफा रूस रहा है कभी भूआ रूस रही है हमारे यहाँ पे जो शादियां होती है ना हमारे यहाँ पे शादियां कभी भी सीधे तरीके से नहीं होती है या तो किसी भूआ के बड़ पड़ जाएगा या किसी फूफा के बढ़ पड़ जाएगा समझ में आ रही है या किसी भाई के बढ़ पड़ जाएगा तो एक ने एक ढोकने जाना ही पड़ता है एक ने एक देवता को मनाने जाना ही पड़ता है तब कहा जाता है काड़ी के में कोतक कोतक ठीक है तो यहां पर है मैनी बिटवीन द कप एंड द लिप है ना तो मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप यानी कप और लिप फोर्ट और कप के बीच में घमासान हो रहा है फिर यहां पर कैनोसो जोकिम ठीक है मेनी माइंड्स ना अब जैसे कुछ हो गया मान लो कहीं, आ, पे अभी तो चलो ठीक है टेक्नोलॉजी थोड़ा बढ़ गई है पहले के जमाने में मान लो किसी को सांप काट गया तो भाई साहब गांव के अंदर पूरे, पूरे पता है, खास बात क्या है पहले गांव में क्या होता था किसी को सांप ने काट लिया तो सारे गांव के डॉक्टर होते थे आ जाते थे भाई साहब और एक कहते थे, थे तू ये कर नहीं नहीं थोड़ा ये करो ऐसे जहर उतरेगा कोई पेड़ को बांधवा देगा कोई वहां पर क्या लगवा देगा तो ये होता है मेनी मैन जितने आदमी होते हैं ना मेनी माइंड्स उतना ही दिमाग चलता है तो जितने नर उतनी बुद्धि नाना मुनि नाना मती नाना प्रकार के लोग फिर यहां पर देखिये जी बिल्कुल मेजर फॉर मेजर हत्या के बदले फांसी जैसे को तैसा मेजर फॉर मेजर मापन के लिए मापन मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा है ना जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा फिर यहां पे देखिए माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या लिखा हुआ है Might is right, uh, might is right. might का मतलब होता है शक्ति जिसके पास शक्ति होती है वो आदमी सही है आज की दुनिया में जिसके पास पैसा है वो उसकी गलती ठीक है गलती नहीं है लेकिन गरीब आदमी की कितनी सही बात हो तो कोई इज्जत नहीं है मार्केट में हार्ड नट टू क्रेक लोहे का चना चबाना हार्ड नट टू क्रेक मतलब क्या हो गया हार्ड कठोर दाना टू क्रेक चबाने के लिए चबेगा क्या नहीं चबेगा दांत दूसरे आ जाएंगे ही ब्रेक्स हिज वाइफ्स हेड एंड बाई इज ए प्लास्टर है ना

यहाँ लिखा हुआ ही जेड्स एट स्केर्स हु नेवर फेल्ट अराउंड जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई जा देखो वही बात है जाके पैर न फटी जिसके पैर फटे नहीं है वो क्या जाने दर्द को वो दर्द को क्या जानेंगे नहीं जानेंगे ही जेड्स एट स्केर्स हु नेवर फेल्ट ए वोंड जिसने कभी घाव को महसूस नहीं किया है तो वो जब पैर कट जाएंगे एडिया फट जाएगी तो बोरोप्लस लगाओ इसका क्या इंपोर्टेंस ही दैट इज वॉम थिंग्स ऑल आर आप सुखी तो जग सुखी मतलब क्या हुआ मतलब हुआ इट ही दैट इज वॉम थिंग्स ऑल आर आप सुखी तो सब सुखी ही हु वुड कैच फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट वो आदमी जो मछली को पकड़ता है मछली पकड़ने वाला जो इंसान होता है मस्ट नॉट गेटिंग वेट वो गीले होने से नहीं डरता कंगाल वो कहता ना ये दिव? आ, जाने क्या बोलते हैं कोयल फिर कोयले से फिर काले से क्या डरना कोयले में पैर रख दिया तो काले होने से क्या डरना ऐसा कुछ है नाचने उठे तो घूंघट कैसा अब यहाँ पर कहता है जैसे औरतें होती है औरतें गांव में डांस करती है पता है औरतें गांव में क्या करती है डांस करती है तो घूंघट निकाल लेती है इतना बड़ा और डांस करती है बड़ा खतरनाक वाला तो ये कह रहा है जब नाचने उठी गए और जब आप नाच ही रहे हो अच्छे तरीके से ठुमके लगा लगा के तो फिर घूंघट का है बात का तो घूंघट निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकला तो ही हु जो मछली पकड़ता है मस्ट नॉट माइंड गेटिंग जी बिल्कुल समझ में आ गई बात तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता कि मैं गीला हो जाऊंगा क्योंकि पक्की बात है बेटा गीला तो होगा ही होगा ना तो ना चुटे तो घूंगट कैसा ही हुए बेटा जैसा बोोगे वैसा पाओगे सीधी सी बात है क्या लिखा हुआ है जैसा बोोगे वैसा पाओगे तो यहां लिखा हुआ है ही वुड सॉरी वु वुड शो जैसा आप बोगे वेल well रीप वैसा आप पाओगे अच्छा करो अच्छा पाओ कर बला तो हो बला जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसे पब्लिक आपके साथ करेगी ये बात समझनी है ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डर बिल्कुल सही बात है हाई हाई विंड्स बो ऑन हाई हिल्स बड़ो की बड़ी बात हाई विंड्स बो ऑन हाई मतलब हाई का मतलब होता है ऊंची पहाड़ियों पर ऊंची हवा चलती है भाई ऊंची पहाड़ियों पर हवा ज्यादा चलेगी आप 100-200 मीटर ऊपर जाके बैठे तो फिर तो लगेगी ना वहां पर वहां पर हवा ज्यादा चलेगी तो बड़ों की बड़ी बात तो जितने ऊंची पहाड़ी होगी उतनी हवा वहां पर ज्यादा महसूस होगी हिज वेट्स आर गॉन अ होल टुगेदर उसकी अक्कल घास चरने गई

ठीक है तो इफ यू वॉन्ट अ थिंग वेल डन अगर आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करना चाहते हो ना डू इट योर सेल्फ तो फिर उसको खुद करो दूसरे के भरोसे मत बैठो है ना इफ यू अ थिंग वेल डन डू इट तो खुद करो बेटा इसे यहां लिखा हुआ है आई सॉरी आई गॉट सॉरी इल गॉट इल स्पेंड पाप का धन प्राश्चित में जाता है सोम का धन शैतान खाता है अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाओगे ना तो गलत तरीकों में या गलत चीज में निकल जाएंगे जैसे आपने एक दो लाख रुपए कमा लिए झापट मार के किसी के चोरी कर ली तो तुम बीमार हो जाओगे डॉक्टर को दिया जाके तो पैसा तो वहां जाना है तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं जहां से निकाले है, वही जाके जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है है पाप का धन में जाता है। इल इल गॉट स्पेंड बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा बुरे तरीकों में ही जाता है शाबाश इल इलगोटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर चोरी का धन मोरी में जाता है इल इलगोटन गुड्स जो चोरी से कमाया हुआ जो धन है प्रोस्पर चो चोरी का धन चोरी मोरी में ही जाता है कुल मिलाकर बात यह है बड़ी क्लासेस का पता होगा आपको शनिवार को आपकी जागरण क्लास होगी शनिवार सन्नीवा, शनिवार को आपकी कौन सी क्लास होगी बेटा जागरण क्लास होगी इस बात का ध्यान रखें ठीक है रीट वालों के लिए बेटा तेवीस तारीख पच्चीस तारीख घंटे की बड़ी रुद्राक्ष क्लास होने वाली है इस बात का ध्यान रखें ठीक है कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने खुद ने देखा हुआ है इसको चार पांच एग्जाम में आता हुआ कुछ नहीं है बेटा प्रोवर्ब्स मैंने क्वेश्चन पेपर में करवाया है ना अभी जो मॉडल पेपर हम करते थे और अब आएगा तो मैं बता दूंगा कि यह वो क्वेश्चन है मैंने हालांकि बताया है कि प्रोबर्ब का क्वेश्चन है तुम्हारे होश पता नहीं खा रहे तेते पाँव पसार ये जेती लंबी शोर यह कह रहा है बेटा उतने ही पाँव पसारो जितनी तुम्हारी गुदड़ी हो ज्यादा दादागिरी करने की जरूरत नहीं है फालतू के अंदर सर्दी लग जाएगी कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ सही आंसर हो गया बेटा इसके बाद यहां पर देखे डीप रिवर्स रिवर्स मूव विथ साइलेंट मेजेस्टिशन ब्रूक आर क्या लिखा हुआ है बेटा यहां पर देखो यहां लिखा हुआ अदजल गगरी छलकत जाए क्या लिखा हुआ है बेटा अदजल गगरी छलकत जाए अदजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मेजेस्टी जो डीप गहरी जो नदी होती है ना वो चुपचाप जाती है उसमें आवाज नहीं आती लेकिन जो सतई होती है सतई जो गगरी होती है वो बेटा आ वो आवाज़ करती हुई जाती है फिर लिखा डायमंड कट डायमंड्स लोहे को लोहे काटता है डायमंड कट यानी लोहा को लोहा काटता है डायमंड कट डायमंड आ सकता है बेटा लोहा को लोहा काटता है डू एविल एंड लुक फॉर लाइक कर भला तो हो भला क्या लिखा बेटा कर भला तो हो भला फिर इसके बाद यहां से देखिए डू गुड्स एंड कास्ट इट इन टू द रिवर डू गुड अच्छा करो एंड कास्ट डाल दो इन टू द रिवर नदी में नेकी कर दरिया में डाल क्या लिखा हुआ है नेकी कर दरिया में डाल ड्रोविंग मैन कैचेस एट स्ट्रो डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है एरर्स लाइक स्ट्रोस अपॉन द सरफेस फ्लो मतलब क्या है जिन खोजा तिन तिनपाइया गहरे पानी पेट में बपूरी ढूंढन रही किनारे पेट जिन खोजा तिन पाइया पानी पेट में बपूरी ढूंढन गई रही किनारे पेट। मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर यहां सर्च फॉर ट्रूथ मस्ट ड्राइव लो अगर आपको सच्चाई सच्चा सॉरी एरर्स लाइक स्ट्रोस जो गलतियां होती है वो यानी तिनको के समान होती है अपॉन द सरफेस जो समुद्र में ऊपर होती है फ्लो वन ये तो हो गया हो तिनके का सारा काफी One who is in search of truth, जो सच्चाई की खोज में रहता है जो सच्चाई की खोज में रहता है मस्ट ब्लो उसको नीचे जाना ही पड़ता है मतलब बेटा नीचे जाने का मतलब पृथ्वी के नीचे दौड़ ना जाएगा नीचे जाने का मतलब उसे कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती इसका मतलब क्या होता है कि मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती एवरी पॉटर प्रेज स्पॉट अपना पूत सभी को प्यारा लगता है और दूसरे का गड़बड़ लगता है एवरी पॉटर हर जो कुमार होता है प्रेज इज पॉट वो अपने बर्तन की बढ़ाई तो करता ही करता है एवरी थिंग लुक्स येलो टू जुडिस आइज सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है जो धनवान घर में पैदा हुआ है तो उसको गरीबी ही दिखती ही नहीं है तो तुम्हारे गालों में घोड़े दौड़ रहे हैं घर वाले ऐसे कहते हैं है ना जैसे हमारी मम्मी अक्सर हमें कहा करती थी तुम्हारे गालों में तो घोड़े दौड़ रहे हैं भाई साहब इतना खर्चा करते हो तुम तो गालों में घोड़े दौड़ना इसका मतलब यही होता है और या फिर सावन के को हरा हरा दिखता है देखो एविल एविल गॉटन जैसा आया वैसा गया बुरे तरीके से प्राप्त किया तो बुरे तरीके में ही चला जाएगा एग्जाम्पल इज बेटर देन देन प्रिसेप्ट उपदेश करने से स्वयं करना भला है मतलब आप उपदेश दे रहे हो कहते हैं ज्यादा ज्ञान मध्य पहले खुद के ऊपर अप्लाई कर ले ज्यादा ज्ञान पहले खुद के ऊपर अप्लाई कर ले तो यही बात है तो मूर्ख मानना टू इम सेल पे और अपने आप को साधु मानना दूसरों को तो मूर्ख मानना अपने आप को साधु मानना इसका मतलब है इसके बाद फिर देखिए यहां से यहां लिखा हुआ है फोर्ड लेबर बेटर देन आइडलनेस बेकार से बेगार भली अगर चुपचाप बैठे ना कुछ ना कुछ कर लो यार लेबर इज बेटर देन आलसी से तो ज्यादा बढ़िया है कि तुम्हें जबरदस्ती कोई काम करना पड़ जाए बेकार से बेगार भली है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव पुरुष सिंह ने उद्यमी ताकि चेरी उद्यमी पुरुष की दासी लक्ष्मी भी होती है मतलब फॉर्च्यून फेवर्स भाग्य उसका साथ देता है जो बहादुर होता है भाग्य उसका साथ देता है जो बहादुर होता है हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ओके जी हाँ क्या बता मैं भी क्लास के बाद फिर बताऊ आपको ओके okay. चलो जी यहां लिखा हुआ है गेदर गेदर थिसलेस एंड एक्सपेक्ट पिकल्स बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए गेदर सेल्स एंड एक्सपेक्ट पीकल बाद कांटे बहोगे और आचार की प्रतीक्षा करोगे कांटे बहोगे और आचार की प्रतीक्षा करोगी कि आचार आएगा कहां से आएगा नहीं आएगा गॉड्स विल बी डन ईश्वर अच्छा गॉड्स विल बी डन यानी भगवान की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा है जो होता है वो वही करवाता है गोड हेल्थ इज अब वेल्थ तंदुरुस्ती हजार नियामत मतलब गोड हेल्थ इज अब वेल्थ मतलब गुड हेल्थ यार गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य हर संपदा से ऊपर होता है अच्छा स्वास्थ्य हर संपदा के ऊपर होता है गुड मार्क्स मैन का सवार भी गिर जाता है गुड मार्क्स मैन मेंिस यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे अच्छा अच्छा गुड़ सवार भी गिर जाता है अच्छा तैराक भी पानी में डूब जाता है

कि चोर की डाडी में तिनका वो होता है जो अपराधी होता है वो हमेशा सस्पिशियस संदिग्ध रहता है तो चार, चोर की डाडी में तिनका देखो हा पेलॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड अगर एक भी रोटी नहीं है उससे तो अच्छा है कि आधी रोटी दे दे कोई तो यहां है कुछ नहीं से थोड़ा भला माना मामा से काना मामा अच्छा अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम बुरे नाम से सॉरी बुरे नाम से बुरा आदमी अच्छा है बुरे बिल्कुल सही बद अच्छा बदनाम बुरा चाहे कुछ नहीं हो लेकिन नाम नाम हो नाम चाहे खराब हो लेकिन बदनाम नहीं होना चाहिए फिर लिखा वर्कमैन नाच नजाने आंगन टेडा एक बुरा आदमी काम करना तो आता नहीं है अपने औजारों से लड़ता रहता है और वो ये सोचता रहता है कि भाई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ है, है। तो अ बैड वर्कमैन क्रूल्स विथ स्टूल्स नाच न जाने आंगन टेढ़ा एंड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश इसका मतलब हुआ इन a हैंड a a एक पक्षी हाथ में ज्यादा अच्छा है दो पक्षी झाड़ी में है उससे बढ़िया था क्योंकि जो झाड़ी में है वो अपने नहीं उड़ जाएंगे तो जो हाथ में उसको हम छोड़ देंगे तो लिखा हुआ है नो नगद न तेरा उधार मतलब नौ रुपए अगर कोई नगद दे रहा है किसी चीज के तो लेरो तेरह रुपये अगर वो उधार में लेकर जा रहा है तो मत दो क्योंकि वो नौ भी चल जाएंगे तेरा भी चल जाएगा अब ब्रंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है अब ब्रंट चाइल्ड जो जला हुआ बच्चा होता है ड्रेड्स द फायर वो आग को फूक फूक कर पीता है अ ड्रॉप इन द ओशन ऊंट के मुंह में जीरा अ ड्रॉप यानी एक बूंद इन द ओशन ओशन यानी समुद्र पूरे के पूरे समुद्र में एक हाँ जी बिल्कुल इतना बड़ा ऊंट है उसके मुंह में जीरा तो कितना सा होगा कुछ नहीं होगा कोई मतलब नहीं निकलेगी फिर यहां देखो अफिगर अमंग जी बिल्कुल में राजा, figure, सब मूर्खों में एक ही आदमी अच्छा है तो अंधो में काना राजा हो गया अब देखो यहाँ पर मतलब पंखे से ओस को खत्म नहीं कर सकते सर्दियों में जो ओस पड़ती है उसको पंखे से नहीं हटाया जा सकता ओस चाटे प्यास नहीं बुझती तो ओस पड़ी हुई है तो उसके उसे चाटने से प्यास तो पानी से बुझेगी ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गोल मुख में राम और बगल में छुरी ए हनी टंग हनी का मतलब होता है सहज जैसी टंग का मतलब होता है जीब आपकी जीब सहज जैसी है ए हार्ट ऑफ लेकिन दिल खराब है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग नीम हकीम खतरा जाने कम जो कम जो नॉलेज होती है वो खतरनाक होती है ऑल इज वेल वेल अंत भला तो सब भला Much. जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज करता है याद रखें जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके बोल दे कि सर हमें बोलते हैं व्हाट्सएप में ऐड कर, कर दिया जाएंगे मेरी 23 फरवरी और 25 ट्वेंटी फरवरी फेबर यूट्यूब की सबसे बड़ी क्लासेस होगी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी याद रखना इस बात का दूसरी बात ध्यान रखें एडुपत आचार्य क्लासेस के ऊपर आप एप्लीकेशन पे जाकर प्ले स्टोर से एडुपत आचार्य इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप टेस्ट सीरीज नाइनटी नाइन रुपीज में ले सकते हैं जिसके अंदर ग्यारह मॉडल पेपर है ग्यारह मॉडल पेपर है एक मॉडल पेपर में सत्तर क्वेश्चन है एग्जाम दे सकते हैं आप वहां से बात समझ में आ गई उठा तो आज के लिए बस इतना ही देट्स अलफोर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई बाई गाईज टेक केयर थैंक यू